हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ स्पेस टॉक। आज के स्पेस टॉक में हम लोग बात करेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। और ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत गैलेक्सी है, और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, मैं यही रिकमेंड करूँगा। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूँगा, और वो क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे अर्थ के करीब मौजूद सबसे बड़ा गैलेक्सी है, हमारे आसपास मौजूद सबसे बड़ा मेंबर है जो कि ग्रुप ऑफ स्टार्स है। इसकी डायमीटर लगभग 2,20,000 लाइट ईयर्स है। हमारे अर्थ से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर ये विशालकाय स्पाइरल गैलेक्सी अपने अंदर लगभग 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स को रखे हुए है। यूनिवर्स के एक्सपैंड होने की वजह से बाकी के गैलेक्सीज तो अर्थ से दूर जा रहे हैं, पर ये गैलेक्सी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है हमारे अर्थ की तरफ ही बढ़ते चला आ रहा है, वो भी 110 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का पास्ट काफ़ी वायोलेंट रहा है। ये गैलेक्सी शुरू से इतना बड़ा नहीं था। अपने जीवन काल के दौरान एंड्रोमेडा ने कई सारे छोटे छोटे गैलेक्सीज को निगलता चला गया और इतना बड़ा बनता चला गया। उनमें से दो गैलेक्सीज के नाम M32 और M110 है। इसके इतने दूर होने की वजह से और मिल्की वे गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल पुल से निकलकर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बावजूद भी हम लोग अपने प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी की मदद से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक वॉर्म होल्स या फिर वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी। सोचो कि आप किसी भी तरह से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक ट्रैवल कर भी लेते हो तो आप क्या देखोगे? आपको ये गैलेक्सी कैसी दिखेगी? हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी बड़ा सा स्पाइरल गैलेक्सी है, लेकिन ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 25% ज़्यादा चमकीला है। एंड्रोमेडा काफ़ी यूनिक है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस गैलेक्सी में डिफरेंट एजेस, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कॉन्फिग्रेशंस के स्टार्स भी देखे हैं, जैसे कि बाइनरी स्टार्स। एंड्रोमेडा को पास से खुली आंखों से देखना एक गजब का एहसास होगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसके सेंटर में एक नहीं बल्कि दो दो न्यूक्लियस हैं। इसमें एक न्यूक्लियस सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो कि हमारे सन से 200 मिलियन गुना ज़्यादा भारी है। भारी होने के साथ ही हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से भी बड़ा है, जो कि सिर्फ 4 मिलियन गुना ज़्यादा भारी है हमारे सन से। इसका दूसरा न्यूक्लियस को बहुत सारे स्टार्स का समूह भी कहा जाता है, जो कि इस बड़े से ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स एंड्रोमेडा के बारे में काफ़ी कम जानकारी रखते हैं, पर इसे करीब से विजिट करने पर कई सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। एंड्रोमेडा अपने वायलेंट हिस्ट्री की वजह से जाना जाता है। ये कई सारे छोटे छोटे गैलेक्सीज को निगल चुका है अपने जीवन काल में, और अब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इसका अगला शिकार है। मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों ही मास के अकॉर्डिंग कंपेरेबल है, और लगभग 4 बिलियन ईयर्स के बाद ये आपस में कोलाइड भी करेंगे और एक बहुत बड़े इलिप्टिकल गैलेक्सी में बदल जाएंगे, जिसे हम मिल्कोमेडा कह सकते हैं। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और ह्यूमंस कुछ दशकों पहले चांद पर भी जा चुके हैं। हमें ये तो नहीं पता कि इंसान कभी दूसरे गैलेक्सी में जा पाएंगे या नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो ज़रूर है, उसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है। आफ्टर ऑल, आज का साइंस फिक्शन क्या पता कल का साइंस फैक्ट बन जाए। तो वक्त है क्वेश्चन का। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो नेचुरल डायमंड है हमारे, जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, और जो आर्टिफिशियल डायमंड जिसको इंसानों ने बनाया है, इन दोनों में कौन सा मजबूत है? अगर आप जानते हैं इसका जवाब तो आप ज़रूर जवाब कमेंट बॉक्स में देना, और अगर आप चाहते हैं कि इस बात पे मैं एक वीडियोस बनाऊँ तो ज़रूर बताना कमेंट करके। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।